नमस्कार, मानस मिश्रा ऑनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिस मैसेज में सोनिया गांधी का और आज के जो एनएसए डोभाल हैं उनके साथ क्या कुछ किया था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कभी कभी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मैसेज भी वायरल हो रहे हैं जो लोगों को शायद गुमराह करते हैं, लेकिन यहाँ क्या कुछ है आपको दिखाते हैं, इसकी सच्चाई और उसके बारे में आगे बताएंगे। आपको दिखाते हैं आखिरकार जो सोशल मीडिया का मैसेज शुरू होता है हाफिज सईद और सोनिया गांधी के कनेक्शन का खुलासा और कर्नल पुरोहित की रोहित रिहाई के बाद पर्दाफाश। कर्नल पुरोहित मुंबई की तलोजा जेल से रिहा हो गए। उनकी रिहाई के बाद कई खुलासे सामने आ रहे हैं। एक बेहद चौंकाने वाला और अप्रसन्नीय खुलासा डाटा वैज्ञानिक गौरव प्रधान ने किया है, जिसे देख आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर गौरव प्रधान ने कई बड़े नेताओं पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं, जिनकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए और ये बेहद गंभीर है। और 2010 में सोनिया गांधी की बात की जा रही थी, 2010 में होनी थी सोनिया गांधी और हाफिज सईद की मुलाकात। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा किया डॉक्टर प्रधान ने और कहा कि 2010 में सोनिया गांधी और हाफिज सईद की मुलाकात होनी थी। पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद इटालियन माता से 2010 में मिलना चाहता था, मगर इटालियन माता ने इनकार किया क्योंकि इसमें काफी रिस्क। वैसे सोनिया गांधी की आतंकियों से हमदर्दी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों के मारे जाने की तस्वीर देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी, लेकिन उनका ट्वीट दाऊद को बचाने के लिए डोभाल को पाया था गिरफ्तार। ये बेहद संगीन खुलासा है। जी हाँ, डॉक्टर प्रधान ने यह खुलासा किया है कि 2000 सोनिया मनमोहन सरकार के दौरान आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में खुद को मारने की पूरी योजना बना ली थी। पाकिस्तान के कहने पर कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया था। और डॉक्टर गौरव प्रधान ने ऐसा किया कि 26/11 में मुंबई आतंकी हमलों से ठीक पहले कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कर्नल पुरोहित सेना के जासूस थे और 26/11 आतंकी हमले के प्लान के बारे में जानते थे। डॉक्टर गौरव ने ये बात बताया कि कर्नल पुरोहित की पत्नी अपर्णा पुरोहित ने कहा था कि पाकिस्तान चाहता था कि कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया जाए और सोनिया मनमोहन सरकार भी इसके बारे में विचार कर रही थी। अपने खुफिया मिशन के दौरान कर्नल पुरोहित पाकिस्तान के कई संवेदनशील और नापाक राज जान गए थे। कर्नल पुरोहित का बड़ा जासूसी नेटवर्क भी पाकिस्तान में खुफिया जानकारी जुटा रहा था, इसलिए पाकिस्तान कर्नल पुरोहित को कस्टडी मांग रहा था। गौरव प्रधान ने आगे खुलासा किया है कि पाकिस्तान जनरल जो पासा के कहने पर ही कर्नल पुरोहित को ठीक 26/11 आतंकी हमले से पहले गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पाकिस्तानियों को था कि कर्नल पुरोहित को इस आतंकी हमले की भनक तो नहीं लग चुकी है और वो हमले के विफल कर सकते थे। कश्मीरी और कांग्रेसी नेता आतंकवादियों की मदद करते थे, ये भी बड़ा खुलासा किया है। इसके बाद डॉक्टर प्रधान ने कहा और भी ज़्यादा संसदीय के खुलासा करते हुए बताया कि कर्नल पुरोहित को पता चल गया था कि एक कश्मीरी नेता जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी था और कांग्रेसी नेता मियां आजाद यानी गुलाम नबी आजाद एक ही गाड़ी में घूमते थे, उनके उसी गाड़ी में आतंकी भी घूमते थे। गाड़ी पर लाल बत्ती लगी होने के चलते किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। इसके लिए निसी नेता की गाड़ी का इस्तेमाल करके 2005 से 2010 तक कश्मीर में पैसे की फंडिंग भी की गई थी। हिंदू आतंकवाद जुमले को साबित करने के साफ तौर पर एक कोशिश भी की गई थी, इस बात का खुलासा भी डॉक्टर गौरव प्रधान ने किया है। 26/11 मुंबई हमले का पूरा षड्यंत्र हिंदुओं को आतंकी घोषित करने के लिए पाकिस्तान ने रचा था, ताकि इस्लाम कट्टरपंथी आतंकियों के पर से ध्यान हटाया जा सके। प्लान था कि आतंकी हमला करने के बाद सभी आतंकियों को मार दिया जाएगा और इस हमले को भी हिंदू आतंकवाद से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26/11 को RSS की साजिश नाम की किताब तो पहले ही छाप कर रख ली गई थी, जिसमें विमोचन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खुद किया था। गौर प्रधान ने खुलासा किया, जब आतंकी मुंबई में घुसे तो उससे पहले ही देश के कई नेता इसके बारे में जानते थे और उन्होंने हेमंत करकरे को खास निर्देश दिया था कि एक भी आतंकवादी जो है वो जिंदा बचने ना पाए।
मगर सिपाही तुकाराम आंबेले ने कांग्रेस और पाकिस्तान की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया और आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। आतंकियों ने हेमंत करकरे को पहचाना नहीं और धोखे से उन्हें गोली मार दी। पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, अहमद पटेल और सोनिया गांधी का इस साजिश में हाथ। इस तरह की सोशल मीडिया पर एक चीज़ें चल रही हैं। इस पूरी साजिश के पीछे डॉक्टर पूर्व प्रधान ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और अहमद पटेल का नाम लिया है। उन्होंने साजिश के पीछे चलिए नान्टी कहते हुए सोनिया गांधी की ओर भी इशारा किया है। लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और बाल ठाकरे को मारने की साजिश रची गई थी। डॉक्टर प्रधान ने खुलासा किया कि मुद्रिक में पाकिस्तानियों और भारत के गद्दारों की एक मीटिंग हुई थी। पाकिस्तान भारत की सैन्य खुफिया एजेंसियों के बारे में जानना चाहता था। इस मीटिंग में योजना रखी गई थी कि बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को मार दिया जाएगा, मगर इटालियन माता ने इनकार कर दिया क्योंकि 2009 के चुनाव आने के वाले थे और हिंदूवादी नेताओं के मारे जाने से कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान होने का डर था और मोदी को फंसाने के असीम आनंद कप का दबाव था। उन्होंने आगे खुलासा किया कि 26/11 हमले का पूरा प्लान जो था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को आतंकी संगठन बताकर हिंदू आतंकवाद को सिद्ध करने के मकसद से बनाया गया था। इस तरह समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट के बाद गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकी को छोड़ दिया गया और स्वामी असीमानंद को इस केस में फंसा दिया गया। स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार करके थर्ड डिग्री यातनाएं दी गई। उनसे कहा गया कि यदि यातनाओं से बचना है तो गुजरात के एक बड़े बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी का नाम ले लो। इनकार करने पर असीमानंद और यातनाएं दी गई हैं और ऐसे ही साध्वी प्रज्ञा के साथ भी हुआ। योजनाओं की 26/11 के आतंकी हमले में सभी आतंकियों को मारकर सारा इल्जाम RSS पर लगाकर संघ को आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी इसी तरह के केस में फंसा दिया जाएगा क्योंकि इटालियन माता 2004 से ही जानती थी कि ये दोनों उनके लिए सबसे बड़ा खतरा और 10 सालों तक जनरल पासा का था भारत पर राज। जी हाँ, गौरव प्रधान ने यह भी दावा किया कि दरअसल 2004 से 2014 तक देश में मनमोहन सिंह नहीं ISI का जबरन पासा राज कर रहा था। जो वो चाहता था वो यहाँ पर होता। डॉक्टर गौरव प्रधान ने बताया कि कर्नल पुरोहित का पाकिस्तान में काफी अच्छा जासूसी नेटवर्क था जिसके कायल खुद अजीत डेवाल भी थे। अजीत डेवाल भी ये देखकर हैरान थे कर्नल पुरोहित ने अपनी इसी जासूसी के नेटवर्क के दम पर 7 बार पाकिस्तानियों की साजिशों को हमलों को विफल कर दिया था। डॉक्टर प्रधान ने यह भी खुलासा किया कि कर्नल रोहित का पाकिस्तान में जासूसी नेटवर्क इतना मजबूत था कि आतंकी हाफिज सईद और लखवी तक उनसे डरते थे। इसी डर से दोनों आतंकी आकाओं की सुरक्षा भी पाकिस्तान ने बढ़ा दी थी। कर्नल रोहित पाक खुफिया एजेंसी और पाक का आतंकियों दोनों के निशाने पर थे। जनरल पासा के इशारे पर कांग्रेस सरकार ने कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया और बेपनाह यातनाएं दी। पूरी कोशिश की गई कि इस देशभक्त को सेना के अफसर को आतंकी घोषित कर दिया जाए। आप इस पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी और आपकी कहीं ना कहीं आँख खोलती है कांग्रेस के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, हर चीज़ सही नहीं मानी जा सकती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जरूर इसमें दुख में डालती है कि ये हमें सोचने पे मजबूर कर दिए। पहला, कसाब का हाथ में कलावा पहनना, यानी कलावा पहनकर कसाब यहाँ पर आया था और जितने आतंकी थे वो कलावा पहनकर आए थे, ये बात सच है। कलावा पहन के आए थे और सभी आतंकियों को मारने का आदेश था, ये भी बात सच है। लेकिन कसाब को किस तरह से गलती से जिंदा पकड़ लिया गया उसके बाद ये शायद कांग्रेस के गले की फांस बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद।